हेलो जी दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। भाई गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, तो इसको एक बार ना क्लीन कर लेते हैं। क्लीन कैसे करेंगे, गैराज खोल के गाड़ी को बाहर निकालते हैं। यहाँ पे अपना रखा हुआ है प्रेशर वॉशर, काफ़ी दिन से यूज़ नहीं हुआ है, और मैं जो है ना बाल्टी में पानी भर के फिर यूज़ नहीं करता, मैं इसको डायरेक्टली जो पाइप है पाइप लगा के फिर इसको यूज़ करूँगा। तो चलो आओ पहले एक बार गेट को खोल लेते हैं, थोड़ा सा आवाज़ का मैनेज कर लेना, क्योंकि बाहर से जो मेन रोड है वो काफ़ी ज़्यादा चलता हुआ रोड है। ये तब से जो है ना, ये निशान जो है ना, तब से मैंने साफ़ नहीं करे, जब से ये गाड़ी अपने साले साहब की शादी में गई थी ना, वहाँ पे थोड़ा सा ये टेप के जो निशान लगे हुए हैं। बाकी देखो प्रेशर वॉशर से ये निशान तो नहीं हटेंगे, धूल मिट्टी वगैरह हट जाएगी, ये निशान तब हटेंगे अगर मैं इस पर थोड़ा सा सर्फ़ का जो पानी है, सर्फ का नहीं, जो इसका शैम्पू आता है प्रॉपर तरीके से। देखो शैम्पू मेरे पास शायद ख़त्म हो गया है इसका, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा कुछ इसमें देखता हूँ, कुछ ना कुछ तो इजी वगैरह भी कुछ फेर दोगे तब भी वो क्लीन हो जाएगा। अरे गाड़ी तो खुली हुई है, चलो फिर चलते हैं, गाड़ी को बाहर निकालते हैं और उसके बाद में प्रेशर वॉशर से क्लीन करने का प्रोसीजर भाई स्टार्ट करते हैं। गैरेज ओपन कर दिया है, गाड़ी को बाहर निकालते हैं और उसके बाद में इसकी प्रेशर वॉशर की प्रोसीजर को अपना चालू करते हैं। चलो जी प्रभु का नाम लेके गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम, हर महादेव, जय माता दी। और आज की वीडियो भी उसी हिसाब से भाई चालू करते हैं। गाड़ी में ना थोड़ा सा परफ्यूम मतलब स्प्रे कर रखा था भाई, बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है उसकी, बहुत ही प्यारी। आराम से ज़्यादा गाड़ी आगे भी नहीं लेनी है, क्योंकि वहाँ पर जो है ना देखो शीशा, आपको पता चला ना कितना ज़्यादा गद्दा हो रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ यार इसमें शैम्पू भी अभी करूँ कि कब करूँ, क्योंकि शैम्पू तो मेरे पास में इस टाइम पे है नहीं। चलो कोई नहीं, एक बात है आईफोन की क्वालिटी वाकई भाई बहुत बढ़िया है। अगर मैं एंड्रॉयड के फ़ोन से जब वीडियो बनाता था ना, तो ये जो मीटर है, ये मीटर वगैरह काफ़ी ब्लैकआउट हो जाता था, नहीं आ पाती थी उतनी क्वालिटी अच्छी। चलो कोई नहीं, अब चलते हैं वीडियो बनाने के लिए भाई, प्रेशर वॉशर चालू करते हैं। इसको मैंने बहुत अच्छे से अटैच कर दिया है, वहाँ से टैप से पानी इसको मिल रहा है। यहाँ पे अपना पूरी की पूरी वायर मैंने ओपन कर दी, क्योंकि जब हम इसको रखते हैं तो इसको राउंड करके रखते हैं। अब चलिए आइए देखते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं अपना गाड़ी की धुलाई। बाकी ये जो सारे निशान है ना, ये एक बार पहले पूरी गाड़ी गीली कर देते हैं, उसके बाद में देखता हूँ कैसे हटाना है। बाकी ना अगर आपके पास में शैम्पू वगैरह नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो कॉलिन होता है ना, कॉलिन से हो जाएगा, बहुत अच्छा क्लीनिंग हो जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। अब बात ये होती है कि इतने जो ये सारे पॉइंट्स हैं, ये वाला यहाँ पे ना बहुत मिट्टी भर जाती है, थोड़ा सा एक बार मैंने स्प्रे कर दिया है, एक दो मिनट रुको, उसके बाद में ये देखो यहाँ पर भी देखो कितनी मिट्टी इसमें जमा हुई थी। अगर आपके भी जितने वाइपर्स होते हैं उसको खड़ा करके इस तरीके से स्टैंडिंग में इस्तेमाल करके और फिर उसके बाद में वो ज़रूर करा करो। अब एक काम करते हैं, इसमें जो है ना मैंने 90 डिग्री का नोजल लगा रखा है, क्योंकि फ्रंट वाले नोजल की जरूरत नहीं होती, एक दो नोजल आते हैं तो 90 डिग्री का और एक फ्रंट वाले नोजल से डायरेक्टली आप इसको स्प्रे कर सकते हो। बट अगर गाड़ी के नीचे आपको स्प्रे करना है तो ये भी बहुत आसानी से हो जाता है। अब देखो ऐसे ठीक है ना, तो इस तरीके से ये मेरे को 90 डिग्री का नोजल ज़्यादा अच्छा लगता है। ये हर प्रेशर वॉशर में नहीं आता है, बाकी इस प्रेशर वॉशर को कम से कम 4 साल हो चुके हैं। और अब बारी आती है टायर की क्लीन करने की, यहाँ पे थोड़ी वॉल आ रही है, थोड़ी दिक्कत जरूर पड़ेगी, मगर कोई नहीं, हो तो जाएगा। बाकी जब बाहर वाला टायर क्लीन करूँगा ना, तब आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। एक बार मैं इसको यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है जो अंदर का इसका टायर के ऊपर नीचे होता है, वहाँ पर एक बार अच्छे से क्लीन कर देते हैं। अब इसको कार को साइड से भी क्लीन कर देते हैं। ओहो इतनी थोड़ी देर में देखो जो बर्ड है, बर्ड ने बीट भी कर दी। चलो यहाँ से क्लीन कर देते हैं बराबर हम से इसको।
यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो देखो कैसे यहाँ से ना सारी धूल मिट्टी जो है नीचे जा रही है। वीडियो में बहुत अच्छे से दिख रहा है देखो। तो बस इसी तरीके से अगर ज़्यादा जो मिट्टी होती हुई है अगर आपको ज़्यादा ही कार पे चिपकी हुई है तो थोड़ा सा और इसको पास से कर लो, मगर घबराओ मत, जितना भी पास अगर प्रेशर वॉशर पहुंच भी जाएगा तब भी कार के पेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी, कार की पेंट की शाइन प्रॉपर तरीके से बनी रहेगी। एक बार मैं इसकी जो रूफ़ है ना, रूफ़ पे भी थोड़ा सा इसको प्रेशर वॉशर भी मार देता हूँ। देख लो यहाँ पर भी पूरी गंदी हो रही है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुश्किल ये रहती है इसको क्लीन करने में, तो भाई यहीं से आपने मारा और अब देखना कैसे सारी धूल मिट्टी वगैरह जाती चली जाएगी बाहर। भाई थोड़ा सा आवाज़ को हल्का सा मैनेज कर ले रहा, कोशिश करूँगा इसको डीनॉइस करने के लिए ताकि जो बाहर के जो गाड़ी वाड़ी की नॉइज़ आ रही है, हॉर्न की जो दिक्कत होती है क्योंकि यहाँ पे ना मोड़ है इसके कारण बहुत दिक्कत होती है। अब देखो इसको क्लीन कर देते हैं। अब आपको मैं यहाँ पे जो टायर की क्लीनिंग है ना, टायर की क्लीनिंग दिखाया, तो देखो इस टाइम पे ना गाड़ी जो है ना हाईवे पे नहीं हो के आई है, ये सिर्फ दिल्ली के रोड से गंदी है। अगर हाईवे के रोड से गंदी होती ना तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ लगा हुआ होता, बट इस टाइम पे नहीं लगा हुआ है, नहीं तो वो भी बहुत अच्छे से क्लीन करके दिखाता। अगली वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा, बट अभी इतना ज़्यादा कीचड़ नहीं लगा हुआ, बट ठीक है। देखो जी प्रेशर वॉशर का प्रेशर बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रहे, बोनट के अंदर आपको प्रेशर वॉशर नहीं मारना है क्योंकि गाड़ी सेंसर बेस्ड होती है। कंपनी में ये जाके स्टीम वॉश होती है, स्टीम वॉश का अपने पास में जुगाड़ नहीं है, अपने पास में तो प्रेशर वॉशर ही है। और दूसरी बात, जो यहाँ पर रेडिएटर होता है, कंडेंसर होता है, इस पर ऐसे प्रेशर वॉशर नहीं मारना है, सारे के सारे फिन्स आपके डैमेज हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा मोटा खर्चा गाड़ी आपसे मांग लेगी। तो हमेशा देखो किस तरीके से मारना है यहाँ पर, सॉरी किस तरीके से आपको प्रेशर वॉशर को यूज़ करना है। जो इसका प्रेशर वॉशर का मुंह है वो नीचे की तरफ होना चाहिए, ऐसे जैसे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको। इससे आपकी पूरी गाड़ी अच्छे से साफ हो जाएगी और पानी रेडिएटर की तरफ अंदर नहीं जाएगा। और बोनट पर मैंने आपको पहले ही मना कर दिया है कि बिल्कुल भी बोनट पर पानी नहीं जाना चाहिए। अब एक काम करते हैं, वायर वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लंबा नहीं है तो वायर को इसके बोनट के ऊपर से लेके जाते हैं ताकि हम वहाँ पे भी इसको यूज़ कर सकें। यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ी अच्छी खासी धूल मिट्टी हो रही है, पर कोई इतनी ज़्यादा तो नहीं है। खैर अब मैं आपको यहाँ पर दिखा देते हैं भाई, ये देखो देखो कार तो बहुत अच्छे से क्लीन हो गई है प्रेशर वॉशर से, यानी कि प्रेशर वॉशर जो है सिर्फ जितना डस्ट है उसको हटाने के लिए है। अगर उससे ज़्यादा आपको चाहिए तो इसमें आप शैम्पू वगैरह कुछ ना कुछ करो। जैसे कि आपको देख लो सामने ये जो निशान दिख रहा है ना, ये टेप का निशान है। अब पहले मैं इसको क्लीन करूँगा, मतलब
सूखे कपड़े से पूरी गाड़ी को वाइप ऑफ कर दूंगा तो ये पूरी चमक जाएगी। बाकी जो ये थोड़े बहुत निशान रह गए इन पे मैं कॉलिंस इस्तेमाल करूंगा तो कॉलिंस से ये पूरी गाड़ी पूरी चमक जाएगी। पूरी गाड़ी पे तो नहीं करूंगा, सिर्फ इन निशानों को हटाने के लिए करूंगा। एक बार स्प्रे करते तुरंत साफ हो जाएंगे, क्योंकि इसके ना रूफ पे भी, इसकी रूफ पर भी निशान हो रखे हैं, तो वो सारे जो हैं कॉलिंस से ही सारे हटेंगे। चलो एक बार मैं प्रेशर वॉशर को वाइंड अप करके अंदर रख देता हूँ। पहले तो बात ये करने भाई, यहाँ पे जितना सारा पानी जो घर के फ्लोर पे आ गया है उसको भी प्रेशर वॉशर से थोड़ा आउटर की साइड में फेंक देता हूँ। पानी नहीं है, मतलब मिट्टी टाइप है। दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ये सारा जो ये जो स्टेपनी पे भी डस्ट है, इस पे भी एक बार कितने अच्छे से हो जाता है, और इसको भी आउटर की साइड में थ्रो कर देते हैं। मतलब ये है कि प्रेशर वॉशर के एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है कि एक बार ले लो, चार साल तो मेरे प्रेशर वॉशर को हो रहे हैं, बाकी हर एक कंपनी का अलग अलग हिसाब किताब होता है। और 8,000-9,000 के आसपास का कुछ ये पड़ा था, बाकी कैलकुलेट कर लेना भाई। 8,000 के हिसाब से अगर 4 साल चल गया है तो 2,000 पर ईयर की कॉस्ट पड़ी मुश्किल से, बट वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा रिकवर हो जाती है बहुत आराम से। दूसरी बात, अगर आपकी कोई शॉप भी है जिसमें गैरेज वगैरह होता है, वहाँ पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा गैरेज बहुत बढ़िया से क्लीन ये कर देता है। अब मैं इसको वाइंड अप करके इसको वापसी रख देता हूँ, इसको क्लीन करता हूँ, अंदर से डैशबोर्ड की ड्रेसिंग भी कर देते हैं। बोले तो मेरे पास में 3M का प्रोडक्ट है, 3M के प्रोडक्ट को उसमें लगा के फिर उसको चमका देते हैं। अब कार को ना थोड़ा सा बाहर कर लेते हैं ताकि ये जितना फ्लोर है ना, देखो काफ़ी गंदा हो रहा है, यहाँ पे अच्छे से क्लीनिंग हो जाए इसकी। और चलो आराम से हौले हौले गाड़ी को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। कल जाना है भाई मुझे सुबह के टाइम पर, पहले तो 5 बजे गाड़ी निकलेगी जहाँ पे मुझे जाना है भाई, भैरव बाबा के मंदिर में। दूसरी बात, सेकंड फिर घर आके फिर वॉक वगैरह पे जाने के बाद में फिर जाना है, कहाँ पे जाना है, एक रिलेटिव की 13वीं है तो वहाँ पे जाना है, बामडोली की साइड पे। बामडोली की साइड कहाँ पड़ती है, वो पड़ती है भाई द्वारका की साइड पे, द्वारका से थोड़ा सा और आगे पड़ता है, वहीं कहीं मतलब आसपास ही है कहीं गाँव, तो वहाँ पे जाना है। बाकी पेट्रोल की बात करूँ तो पेट्रोल और डीजल में भाई इतना कंफ्यूज हो जाते हैं, डीजल काफ़ी कम हो रखा है इसमें 14.2 की। अरे माइलेज दिखाती तो है इसमें, बट अगर मैं टैंक टू टैंक इसको मेजर करूँ ना तो 12.5 से ज़्यादा की इसने कभी माइलेज मेरे को गाड़ी ने दी नहीं है। कोई बात नहीं, चलो अब इसको जो है फ्लोर एक बार क्लीन हो जाए फिर इसको मैं बैक लेता हूँ। बैक लेने के बाद में ये तो देखो जितनी लेट आप करोगे, क्योंकि धूप में अगर गाड़ी खड़ी होगी तो जितना लेट करोगे जितना सारा ये देखो जितना सारा ये जो डस्ट नीचे आ गई है ना, तो ये सूख जाएगी तुरंत के तुरंत। अब थोड़ा सा टाइम हो गया, कोई बात नहीं, एक बार जब क्लॉथ से वाइप करना चाहूँगा तो गीला हो जाएगा, तो अच्छे से सारा क्लीन हो जाएगा। उसके बाद में मेरे पास में 3M का प्रोडक्ट भी अगर कहीं पर स्क्रैचेस होते तो वो कोशिश करता हूँ अगर आपको दिखाने की कि हाँ वो भी हटाने के लिए। एक बात और बतानी रहेगी, HP वाले ना डीजल के सैशे में और पेट्रोल के सैशे में, सॉरी मतलब डीजल और पेट्रोल के साथ में एक सैशे देते हैं जिसको कहते हैं वो एवरेज इंक्रीज हो जाएगी। भाई डलवा के चेक कर चुका हूँ, पेट्रोल की गाड़ी में तो मैं बिल्कुल डलवाना बंद कर दिया है, डीजल की गाड़ी में एक बार डलवाया था, माइलेज सेम थी, बिल्कुल मत डलवाओ, एक्स्ट्रा बेफालतू के पैसे देने की उसमें ज़रूरत नहीं है, बाकी भरवाओ HP से ही। हाँ वो उसकी पेट्रोल और डीजल वाकई ज़्यादा माइलेज देते हैं। अब चेक करते हैं, कॉलिन मैंने ले लिया है, इसको एक बार स्प्रे कर देते हैं अच्छे से इन निशानों पर, और फिर देखते हैं कि ये आराम से रिमूव हो जाता है, क्योंकि मेरा तो एक्सपीरियंस ये कहता है कि भाई ये बहुत आराम से इन निशानों को बहुत आराम से साफ कर देगा। बाकी चेक करते हैं एक बार, क्योंकि ना काफ़ी ज़्यादा पुराने भी हो गए निशान, तब से मैंने साफ़ ही नहीं करे थे, 2-3 बार तो मैं गाड़ी बाहर ले गया था। देखते हैं, हो गया भाई, हो गया साफ, तो हो गया पूरा। अच्छा और फायदा ये है कि ये ना कॉलिन जो होता है गाड़ी का पेंट भी नहीं हटाएगा। महंगे महंगे प्रोडक्ट्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है मार्केट से, 69 रुपीज़ का छोटे वाला कॉलिन आया है, ये देखो
ये देखो ऐसे निशान तो आराम से साफ हो जाएंगे। सिर्फ आपको प्रोडक्ट तब लेने की ज़रूरत पड़ेगी अगर कोई एक्स्ट्रा स्क्रैचेज लग गए हैं जो कॉलिन से नहीं जाएंगे, बट हाँ ये ऊपर टेप का निशान है, ये आराम से जा रहा है। अगर आपकी भी गाड़ी पे टेप का निशान लगा हुआ है तो इस तरीके से साफ़ कर दीजिए। ये देखो कितने अच्छे से पूरा क्लीन हो गया। ठीक है, इस तरीके से सारा इसको साफ़ कर देते हैं। उसके बाद में जो इसकी रूफ़ है, रूफ़ पे भी चढ़ के रूफ़ को भी क्लीन करते हैं। ये देखो जी, पहले मैंने आपको इसकी रूफ़ दिखाई थी तो कितनी ज़्यादा गंदी थी, यहाँ तक मैंने क्लीन करा है, वो वाला क्लीन नहीं करा है। वो देखो वहाँ पे अभी भी गंदा है, क्योंकि पता नहीं कॉलेज वॉलेज क्या करता है, चिकना हट देता है कैसे करता है, बट हाँ ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। अब उस तरफ से जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ तक मेरा हाथ नहीं पहुँचेगा। देखो जी, पहले कितनी गंदी थी, अब कितनी क्लीन हो गई है, बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरी। मैं आपको बोनट दिखाया था क्योंकि बोनट मैंने आपको बहुत अच्छे से दिखाया था कि कितना गंदा हो रखा था। ये देखो मस्त चमक गया है, एक नंबर, सिर्फ 69 रुपीज़ के कॉलिन से। तो भाई इन महंगे प्रोडक्ट्स को छोड़ो, अपना देसी जुगाड़ ढूंढो कि हाँ सस्ते से सस्ते चीज़ में कितना बढ़िया काम हो जाता है, और रेगुलर आप बहुत अच्छे से इसके क्लीनिंग भी कर सकते हो। विंड स्क्रीन वगैरह ये सब चीज़ें अब मैंने क्लीन कर चुका हूँ। अब देखता हूँ अंदर डैशबोर्ड, पहले एक बार देखते हैं कि इसमें ड्रेसिंग करने की अभी ज़रूरत है या नहीं है। वैसे तो देखो गाड़ी सर्विस होके ही आई थी, उसके बाद में बहुत ज़्यादा चली नहीं है, साफ़ सुथरी गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर मैं पहले ही वैक्यूम यूज़ कर चुका था, पूरी गाड़ी क्लीन कर चुका था। ये जो है ना, ये ड्राई डस्ट है, ये ऐसे नहीं हटती है, ये आपको इसको वेट क्लॉथ लेना पड़ेगा या फिर इसको बाहर निकाल के तब क्लीन करना पड़ेगा। मैं आपको बैक साइड से भी दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो, एक मिनट लाइट जला देते हैं थोड़ी। ये देखो जी, ये सब चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से साफ पहले ही मैं कर चुका था। तो चलो अब इसको मैं लाइट को भी क्लोज कर देते हैं और आज की वीडियो यहीं पर कंप्लीट करते हैं, जो कि कार की वॉशिंग की थी। आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो भाई, लाइक एंड सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। आज के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी।